पटनावासी हो जाए सावधान, मात्र 15 दिन में कटा 2.5 करोड़ का चलान। दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों के बाद अब पटना में भी 360 डिग्री रोटेशन वाले कैमरे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लगाए गए हैं। इसके बाद पटना में अब तक करोड़ों का चलान कट चुका है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किस नियम के उल्लंघन से उनका चलान काटा जा रहा है। साथ ही यह कैमरे पटना के किस किस मार्ग पे लगाए गए हैं, यह पूरा प्रोसेस और पूरी बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि ICC कार्यालय के अंदर बने इंटीग्रेट कमांडेड एंड कंट्रोल सेंटर में 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम चलता रहता है। इसी साल के अप्रैल महीने में स्मार्ट सिटी के तहत लोग इन कैमरों का ट्रायल शुरू हुआ था और सब सही होने पर मई महीने से इसे शुरू कर दिया गया। इसके बाद से धीरे धीरे ई चलान की घंटी लोगों के फोन पे आने लगी, लेकिन जुलाई महीने में इस घंटी की शोर बढ़ने लगी। बीते 15 दिन में इस सिस्टम द्वारा पटना में लगभग 2.5 करोड़ का चलान लोगों का कट चुका है। तो आइए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं ट्रैफिक नियम और चलान से जुड़ी सारी बातें, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आइए जानते हैं किन ट्रैफिक उल्लंघन से चलान कटता है। इस सिस्टम के लगने के बाद हर दिन हजारों गाड़ियों का चलान कट रहा है। यह सिस्टम 5 उल्लंघन को देखते हुए चलान काटता है। गाड़ी पर बैठे दोनों व्यक्ति ने हेलमेट पहना है या नहीं, ट्रिपल लोडिंग, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, रेड लाइट वायलेशन, ओवर स्पीड, इन तमाम चीजों के लिए चलान कटता है। पटना में कुल कितने कैमरे लगाए गए हैं, कैमरे की जानकारी देते हुए स्मार्ट सिटी पटना की PRO प्रिया सौरभ ने बताया कि पटना स्मार्ट सिटी परियोजना लिमिटेड के तहत 3,300 से अधिक कैमरे पूरे पटना जिले में लगाए जाने हैं। इसमें लगभग 2100 कैमरे बेहटा से फतुहा के बीच लगाए गए हैं। पूरे पटना में लगे इन कैमरे को लेकर प्रिया ने बताया कि सिस्टम केवल चालान काटने के लिए ही नहीं बनाया गया, बल्कि इस सिस्टम के तहत पटना वासियों को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना लिमिटेड के तहत इंटीग्रेटेड कमांडेड एंड कंट्रोल सेंटर ICC में 3 शिफ्ट में पूरे पटना में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का सर्विलांस होता है। साथ ही इन कैमरों की मदद से आपराधिक घटनाओं पर भी नजर रखी जाती है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस की एक टीम ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों का डाटा तैयार करके आगे की टीम को फॉरवर्ड करती है, जिसके बाद गाड़ी के नंबर से उस गाड़ी के मालिक रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ई चलान का नोटिफिकेशन भेजा जाता है, जिसमें सबूत के तौर पर कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई तस्वीर भी उसी चलान में रहती है। जुलाई महीने में 2.5 करोड़ का चलान कटा है। ICCC के द्वारा हजारों पटना वासी का इन 5 ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण चलान काटा जा रहा है। 1 जुलाई से 14 जुलाई तक 2.5 करोड़ से अधिक का चलान काटा गया है। कई लोगों का बार बार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण चलान काटा जा रहा है। किस नियम के उल्लंघन पर कितना चलान कट रहा है, आइए इस वीडियो में आपको ये भी बताते हैं। नो हेलमेट पे 1,000 रुपये, ट्रिपल लोडिंग पे 1,000 रुपये, गाड़ी रॉन्ग साइड ड्राइव करने पे 5,000 रुपये, रेड लाइट वायलेशन पे 5,000, ओवर स्पीड पे 2,000 रुपये का प्रावधान है। रेड बॉक्स से मदद मिलेगी। इसके साथ ही विविध व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पटना के सभी मुख्य मार्गों पर लगे पोल पे रेड बॉक्स बनाया है। इसका उपयोग पटनावासी समस्या की घड़ी में कर सकते हैं। वह इस बॉक्स की मदद से परेशानी के वक्त सीधे ICC के कमांड रूम में बैठे पुलिस से उनकी बात होगी। इसके साथ ही बॉक्स के अंदर के बटन को दबाते ही आपका लोकेशन पुलिस तक चला जाएगा, फिर आपके नज़दीक के पुलिस स्टेशन को आपकी जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।